नमस्कार सबको, मैं हूँ श्रेया एंड वेलकम टू माय चैनल श्रेया नेस्टा। जी हाँ, मेरी डिलीवरी हो चुकी है और मेरी बेटी मेरे पास ही सोई हुई है। क्योंकि मैं हॉस्पिटल पे हूँ तो मैंने सोचा कि चलिए एक रूम टूर ही दे देते हैं, ताकि जो जो वुड बी मॉमी एडमिट होने वाले हैं उनको थोड़ा आइडिया मिल जाए कि रूम कैसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए फॉर माई वीडियो अपडेट। ये हमारे रूम के सामने का कॉरिडोर है और ये है हमारा रूम जहाँ पे इट्स अ गर्ल लिखा हुआ है। सो क्यूट ना, चलिए अंदर चलते हैं। अंदर आते ही राइट साइड पे है वॉशरूम जो बाद में दिखाती हूँ, और लेफ्ट साइड पे है सिटिंग एरिया। ये गेस्ट के लिए है बेसिकली, पर कोविड सिचुएशन के वजह से कोई गेस्ट अलाउ नहीं था, तो मेरे हस्बैंड ये खाने के टाइम पे यूज करते थे। और यहाँ मेरी बेबी सो रही है और ये है मेरी बेड जो बहुत ही कंफर्टेबल था, और पीछे का वॉल का डेकोरेशन भी बहुत गॉर्जियस था। साइड पे एक बेड साइड टेबल भी था जो मेडिसिंस वगैरह रखने में काम आ रहा था, और साथ में एक स्टैंड फैन भी था। चलिए अभी इस साइड चलते हैं। तो ये है और एक बेड जो मेरे हस्बैंड यूज़ कर रहे थे, और मेरे बेड के सामने ही एक टीवी था जिसको मैं बहुत अच्छे से यूज़ कर रही थी डिलीवरी से पहले। मैं इसमें बिग बॉस भी देख रही थी। एक्चुअली मेरी डिलीवरी एक्सपीरियंस और मेरी प्रेगनेंसी जर्नी भी बहुत एंजॉयबल था। आपको अगर मेरी डिलीवरी एक्सपीरियंस और मेरी प्रेगनेंसी जर्नी थ्रू आउट लॉकडाउन कैसे रहा है ये जानना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए, मैं उसका अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। और यह है एक बड़ा सा वार्डरोब। अभी इसका हालत एकदम मेसी है, नीचे कुछ स्नैक्स का सामान रखा हुआ है। और इधर है हमारा कुछ सामान और ऊपर बेबी का सामान। क्या आपने मेरा हॉस्पिटल बैग वीडियो देखा है, तो ऊपर लेफ्ट साइड पे आई बटन क्लिक करके आप देख सकते हो, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा बेबी के लिए हॉस्पिटल बैग पैकिंग करने के टाइम क्या क्या लेना चाहिए। और इधर है एक बड़ा सा विंडो जहाँ से सुंदर बाहर का नज़ारा दिखाई दे रहा है। मेरा डिलीवरी बेंगलोर पे क्लाउड 9 हॉस्पिटल पे हुआ था। अगर आप में से कोई हो जिनका डिलीवरी इधर हुआ है तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अभी चलिए उस साइड पे चलते हैं। और ये है वॉशरूम, इस साइड पे है शावर एरिया और इस साइड पे है वॉश बेसिन एरिया। और इधर हूँ मैं मिरर पे वीडियो कर रही हूँ, और टेबल पे मेरा लंच भी आ चुका है। कैसा लगा मेरा हॉस्पिटल रूम टूर, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो पे फिर मिलते हैं। बाय।